दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वैश्विक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आधा दर्जन के करीब सांसद, पूर्व सांसद व विधायकों सहित कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने भी शिरकत की। तो वहीं सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने भी लोगों को संबोधित किया। सबसे ऊपर बस समाज का लोगों ने जीता है, मैंने इतने लोगों ने आज बस समाज कंप्लीट किया है। यूपीएससी का मरिया पर्याप्त नहीं है, हमारी संख्या जो उसके से कम, हालांकि अभी कुछ और नाम आने वाले हैं। इस प्रकार लोगों से आग्रह करते हैं कि जो भी इस रूप में बातों का ध्यान रखते हुए हमारे समाज के पूर्वजों ने किस प्रकार समाज के लिए योगदान दिया, किस प्रकार देश के लिए कार्य किया, उन सबों को याद करते हुए आज आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वैश्य समाज में जितना सबल माना जाता है उतना मैंने कई लगभग 50% से लोग सामान्य और गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको भी जोड़ना कार्य करना है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह समाज डरने की आवश्यकता नहीं है, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, आज बढ़ने की आवश्यकता है, संकल्प लेकर आगे बढ़ने के लिए है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश कुमार संघी की माने तो वैश्य समाज बहुत विशाल है और समाज को संगठित करने के उद्देश्य से ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गिरीश संघी ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वो बच्चियों को बेहतर शिक्षा दिलाए, पुरुष के साथ साथ महिला को भी शिक्षा देना बेहद जरूरी है। यही नहीं, राजनीति में भी वैश्य समाज की हिस्सेदारी को लेकर भी उन्होंने कहा कि वैश्य समाज के लोग व्यापार उद्योग के कामों में ही ज्यादा व्यस्त रहता है, लेकिन अब राजनीति में भी वैश्य समाज की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वैश्य समाज से लोग आगे आए। वैश्य समाज बहुत विशाल है, उसको संगठित करने का ही हमारा उद्देश्य है इस संस्था का। वही प्रयास हम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है और बहुत काम करना है। अभी तो हमने 1% भी काम नहीं किया है, बहुत काम करना है। और हमारा मेन उद्देश्य है राष्ट्रवाद, देश की प्रगति, देश की उन्नति, देश की सुरक्षा, ये हमारा सबसे पहला हमारा लक्ष्य है। इससे कहीं कभी भी हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य सनातन धर्म, उसकी रक्षा करना। उसके बाद है हमारा समाज, उसके बाद है हमारा परिवार। तो ये हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सफलता मिल रही है, लोगों का प्रेम मिल रहा है। अखिल भारतीय वैश्य समाज महासम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल की माने तो राजनीतिक तौर पर वैश्य समाज पहले बहुत मजबूत था। भारत के कई राज्यों में वैश्य समाज से मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन बीते 25 से 30 सालों से राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी कम होती जा रही है। इसलिए मंच के माध्यम से ये अपील की गई कि राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी को बढ़ाया जाए। वहीं उत्तर भारत में अब वैश्य समाज लोगों को जागरूक और एकजुट करने के लिए एक रथ यात्रा निकालेगा, जिसको लेकर उमेश अग्रवाल ने कहा कि बिहार में एक यात्रा अखिल भारतीय वैश्य समाज महासम्मेलन द्वारा निकाली गई थी और इसी प्रकार की रथ यात्रा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में निकालने की योजना है। इस यात्रा का मकसद भारत में एकता और अखंडता को लेकर समाज में एकजुटता लाना होगा। आगामी दिनों में ये यात्रा पूरे उत्तर भारत में निकाली जाएगी। आज अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का प्रतिनिधि सम्मेलन था। इस प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यतः दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे, लेकिन सांकेतिक तौर पर पूरे देश के लोग थे। सभी प्रदेशों से 10-10, 15-15, 20-20 लोग आए हुए थे, लेकिन मुख्यतः दिल्ली, NCR आसपास के लोग ज़्यादा थे। राजनीतिक तौर पर वैश्य समाज पहले बहुत मजबूत था, अनेक प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री होते थे और अनेक प्रदेशों में हमारी सदस्य संख्या बहुत अधिक थी, चाहे विधायकों की बात करें या सांसदों की बात करें। पिछले 25-30 वर्षों से लगातार राजनीति में वैश्य समाज का जो है भागीदारी वो कम होती जा रही है और इस कारण से ये अपील की गई कि राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़े। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर के
75 जिलों से वैश्य समाज के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से वैश्य समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। अखिल भारतीय वैश्य समाज महासम्मेलन के पद अधिकारियों की माने तो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।